नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में डेप्यूटी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता रखा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण रिजल्ट घोषित नहीं किए गए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉपियों की जाँच पूरी नहीं हो पाई थी। उत्तर पुस्तिकाओं का बिल्कुल किसी विवाद बिना शिकायत के बिना हम लोग ने उसका मूल्यांकन कराया और आज के दिन आपके सामने परीक्षा फल घोषित होने वाला है। इस मौके पर, इस अवसर पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के को, हमारे पूरे विभाग को, जो वो हमेशा सजगता से, सतर्कता से, अपने ज्ञान और अनुभव से जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज परीक्षा फल की घोषणा वो करेंगे और मैं इस कार्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देश देना चाहता है तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलंब हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से। एक जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। हाँ। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षण हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को, दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को, यूट्यूब चैनल को, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% से ऊपर हमारी पुस्तकों के दाम कम है, यानी 15-20 साल पहले जो पुस्तकों के दाम होते थे आज NCERT की पुस्तकें हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो हमारी पुस्तकें हैं वो एक सस्ती दामों पर
एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ में हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। हाई स्कूल की परीक्षा में 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 27,53,185 संस्थागत तथा 19,471 व्यक्तिगत, कुल 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत, कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.29। इस बार ही बालिकाओं ने बाजी मारी है। संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.41 अधिक है, यानी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.41 प्रतिशत अधिक है तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 18.41 अधिक है। जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं उनकी तुलना में ये हमारे ज्यादा हैं, जो संस्थागत परीक्षार्थी हैं उनका प्रतिशत ज्यादा है। ये हाई स्कूल की परीक्षा का विवरण था। इंटरमीडिएट की परीक्षा का विवरण है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 25,18,324 संस्थागत, 68,015 व्यक्तिगत, कुल 25,86,339 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। ये इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, जिनमें से 24,22,978 संस्थागत तथा 61,501 व्यक्तिगत, कुल 24,84,479 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 18,08,414 संस्थागत, 45,685 व्यक्तिगत, कुल 18,54,99 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.64 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.28 है एवं संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.63 है। इस परीक्षा में सम्मिलित प्रदेश के 24,84,479 परीक्षार्थियों में से 13,92,675 बालक, 10,91,804 बालिकाएं, जिनमें से 9,59,263 बालक तथा 8,94,876 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत
81.96 एंड छलांग मारी है बालिकाओं ने। इस बार बालकों के तुलना में संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 13.08 अधिक है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 0.16% अधिक है। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल में जो टॉप किया है वो है रिया जैन। इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम एसएम इंटर कॉलेज बरौत बागपत। रिया जैन श्री राम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत, इनका परसेंटेज दिया नहीं, परसेंट है 96.67। इनका परसेंटेज है 96.67, 96.67 प्रतिशत प्राप्त के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये फर्स्ट होगा ना जी, इसमें लिखा नहीं है, जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक, पिता का नाम है प्रमोद मलिक, ये भी श्री राम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97% 97% 97%।